स्टूडेंट्स आपका थर्ड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 फिल इन द ब्लैंक में इज आल्सो नोन एज द आकाशगंगा मिल्की वे को आकाशगंगा भी कहते हैं द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर इज द सन देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है आपको फिल करना है द स्मॉलर कंपेनियन ऑफ द प्लैनेट आर देयर सैटेलाइट्स स्मॉलर कंपेनियन सबसे छोटा कंपेनियन की सहयोगी प्लैनेट्स का क्रम का होता है उसका सैटेलाइट्स होता है उसका उपग्रह होता है द यूनिवर्स कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टार्स आपको स्टार्स पिन करना है मैं बता रहा हूं बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर रेड प्लैनेट मार्स एट्थ प्लैनेट नेपच्यून रिंग प्लैनेट सैटर्न मार्किंग एंड रिंग स्टार वेनस नेम द फॉलोइंग आपको नाम बताना है हेवनली बॉडीज कोई भी सकते हैं सन मून स्टार्स बिग बैंग क्रिएटेड बिग बैंग ने क्या क्या क्रिएट किया स्टार्स गैलेक्सीज प्लैनेट टू मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स प्लैनेट्स के ग्रह की जो दो गति है क्या उसको रोटेशन रिवॉल्यूशन नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन आंसर एंड यू हैव टू राइट द स्टूडेंट हु हैज नॉट रिटेन व्हाट इज अ यूनिवर्स द यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन रोटेशन क्या है रिवॉल्यूशन क्या है इसको डिफाइन करना है इसका परिभाषा लिखना है आंसर द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस प्लैनेट का अपने इमेजिनरी एक्सिस पे घूमना इज नोन एज रोटेशन उसको रोटेशन बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट जो प्लैनेट की मूवमेंट होती है गति होती है अराउंड द सन सन के चारों तरफ अराउंड इट्स इलेक्ट्रिकल एंड फिक्स्ड ऑर्बिट दिन वृत्ताकार कक्षा में इज नोन एज रिवोल्यूशन उसको रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं थैंक्स